हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि AKTU एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये AKTU प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है। ये 2018 में भी आया है, यहाँ पे सन ईयर नहीं पढ़ा है लेकिन ये आया है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसमें क्या पूछा है कि डिज़ाइन द क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट हुज स्टेट डायग्राम इज़ गिवन इन फिगर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप। मतलब कि JK फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हमें इसका क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट बनाना है इस डायग्राम की हेल्प से। ये जो होता है ये स्टेट डायग्राम है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या है कि पहले तो हमें क्योंकि यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके बनाना है, तो हम JK फ्लिप फ्लॉप की पहले एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे स्टेट टेबल बना दी है, लेकिन पहले हमें एक्साइटेशन टेबल बनानी है। तो एक्साइटेशन टेबल एग्ज़ाम में जब भी आए तो पहले एक्साइटेशन टेबल ही बनेगी, उसकी हेल्प से ही ये टेबल बनती है। एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, JK, ठीक है। अब ये आपको मे भी ना समझ में आए कि एक्साइटेशन टेबल आई कहाँ से, तो मैं इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना दूँगी, ओके, ठीक है। तो 0 1 0 1 2 3, इसके लिए क्या होता है, 0 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 0। डोंट केयर का मतलब है यहाँ पे 1 हो चाहे 0, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि 1 होगा कि 0, लेकिन J मुझे पता है कि यहाँ पे 0 ही होगा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी या इसी वीडियो में मैं आगे डिस्कस कर दूँगी, ओके। सो इसमें क्या है, हमें स्टेट टेबल पहले एक्साइटेशन टेबल बनानी है जिस भी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करना है, उसके बाद हमें बनाना है एक्साइटेशन स्टेट टेबल, ठीक है। इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट स्टेट इनपुट, नेक्स्ट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ इनपुट दिया है, यहाँ पे मतलब ये जो है ना, अगर यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे कुछ देते हैं तो मतलब ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट। लेकिन यहाँ पे मुझे आउटपुट नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने आउटपुट का कॉलम नहीं बनाया है, ठीक है। एक दो एग्जांपल जब आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले प्रेजेंट स्टेट में मैंने लिया है Q1 Q0 और इनपुट X, क्योंकि मुझे सिर्फ इनपुट दिया है, सब पे इनपुट दिया है, मुझे आउटपुट नहीं दिया, सिर्फ मैंने यहाँ पे इनपुट ले रखा है। नेक्स्ट स्टेट Q1 Q0, फ्लिप फ्लॉप इनपुट J1 K1 J0 K0, क्योंकि मुझे JK फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से इसका स्टेट सिक्वेंशियल सर्किट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लिख दिया, बाइनरी में लिख दिया, ओके। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे 0 0 प्रेजेंट स्टेट है, जब x 0 है तो ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, ठीक है। x ये x है, x 0 है तो ये कहाँ पे जा रहा है, अपने में ही जा रहा है, अपने में ही जा रहा है, मतलब नेक्स्ट स्टेट 0 0 पे 0 0 ही होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आउटपुट दिया होता ऑब्लिक करके, तो हम यहाँ पे आउटपुट भी लिखते हैं कि 0 पे आउटपुट क्या है। फिर 0 0 1, जब इनपुट 1 है तब नेक्स्ट स्टेट क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये इधर जा रहा है, 1 है, इनपुट 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 1 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 0 1, ठीक है। अभी फिर 0 1 0 1, जब इनपुट 0 है तो 1 0 पे जा रहा है, जब इनपुट 1 है तो ये खुद में जा रहा है, 0 है तो 1 0 में जा रहा है, ठीक है। और जब इनपुट 1 है तो किस में जा रहा है, खुद में जा रहा है, तो 0 1 अपने में ही जा रहा है, 0 1 का 0 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम सारा बना लेंगे, 1 0 0 है तो अपने में जा रहा है, मतलब 1 0 0 है तो 1 0 ही लिखेंगे, 1 है तो 1 1 1 1 पे जा रहा है, 1 है तो 1 1 पे जा रहा है, फिर 1 1 0 इनपुट पे खुद में जा रहा है, मतलब अपने में ही जा रहा है, तो अपने में ही मैंने लिख दिया। फिर 1 1 1 इनपुट पे 0 0 पे जा रहा है, एरो जिस तरफ होगा उसी तरफ हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक बन गई। अब हम J1 K1 J0 K0 की वैल्यू एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से बनाएंगे। ये जो हमने एक्साइटेशन टेबल बनाई है ये एग्ज़ाम में पहले बनानी है, इसी की हेल्प से ये 4 कॉलम आपको फिल करना है। तो यहाँ पे J1 क्या होगा, यहाँ पे देखिए J1 जो होगा वो Q1 और Q1, प्रेजेंट स्टेट में Q1, नेक्स्ट स्टेट में Q1 को देख के हम J1 की वैल्यू लिखेंगे। और ये कैसे, यहाँ से पता चलेगा, 0 0 पे 0 क्रॉस होता है, तो 0 0 पे क्या है, 0 क्रॉस, ठीक है, J1 K1 की। फिर 0
ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो ज़ीरो पे, फिर ज़ीरो क्रॉस, फिर ज़ीरो वन पे, ज़ीरो वन पे क्या है, ज़ीरो वन पे वन क्रॉस मतलब डोंट केयर, ज़ीरो वन पे क्या है, ज़ीरो सॉरी ज़ीरो वन पे क्या है, वन क्रॉस, ठीक है, ज़ीरो वन पे क्या है, वन क्रॉस, ज़ीरो वन पे वन क्रॉस है, ज़ीरो वन पे वन क्रॉस से ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो क्रॉस, ये उससे ही आप बना सकते हैं आराम से बन जाएगी। फिर इसी तरह जे ज़ीरो के लिए हम क्यू ज़ीरो प्रेजेंट स्टेट का और नेक्स्ट स्टेट का क्यू ज़ीरो देंगे, ज़ीरो ज़ीरो के लिए ज़ीरो क्रॉस, ज़ीरो वन के लिए वन क्रॉस, ठीक है, वन 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 ज़ीरो के लिए क्रॉस वन, ये पूरी टेबल हो जाएगी। अभी क्या करना है, के मैप सिंप्लीफिकेशन बनाना है, के मैप सिंप्लीफिकेशन की हेल्प से हम जे वन के वन जे ज़ीरो के ज़ीरो की इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है के मैप, के मैप्स फॉर जे ज़ीरो के ज़ीरो जे वन के वन, जहाँ पे डोंट केयर है वहाँ पे मैंने डोंट केयर लिख दिया, जहाँ पे वन है वहाँ पे वन कर दिया। अब यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा फॉर जे वन, ये जे वन के लिए है। यहाँ पे देखिए जे वन में सिर्फ टू कॉलम में ही वन है, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, के मैप तो पता है ना, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे करते हैं बनाते हैं, टू पे ही सिर्फ वन है, बाकी चार पाँच छः सात पे डोंट केयर है। जे वन में देखिए टू पे ही सिर्फ वन है, बाकी फोर फाइव सिक्स सेवन पे क्या है, डोंट केयर है, ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है। यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा फॉर जे वन, ठीक है ना, तो ये हो गया जे वन, जे वन में यहाँ पे एक पेयर बनेगा क्योंकि ये ज़ीरो वन वन ही हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो प्लस वन वन ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू ज़ीरो, ये क्या है, क्यू ज़ीरो और एक्स का बार है, तो ये आ गया जे वन। इसी तरह हम सारे वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें चारों, क्योंकि हमें ज़्यादा मैक्सिमम बड़ा पेयर बनाना रहता है, तो यहाँ पे मैंने चारों ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर से एक वन, इधर से एक डोंट केयर, ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये सारी इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या बनाना है, सिक्वेंशियल सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। अभी क्योंकि चार स्टेट थी, ज़ीरो वन टू थ्री है ना, क्योंकि फोर स्टेट थी, फोर स्टेट थी तो मतलब दो फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है, तो दो जे के फ्लिप फ्लॉप मैंने बना लिए, जे वन के वन जे ज़ीरो के ज़ीरो, ठीक है। अब जे वन का जो इनपुट था वो एक्स बार क्यों ज़ीरो था, तो एक्स, अब यहाँ पे देखिए ये मतलब कैसे भी बना सकते हैं, बहुत इजी है, यहाँ से एक्स लिया मैंने, ठीक है, ये हो गया एक्स डॉट क्यू, मतलब एक्स एक्स नॉर क्यू वन, के ज़ीरो का था, के ज़ीरो की इक्वेशन थी, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से मैंने k ले लिया, यहाँ से q ज़ीरो ले लिया, ठीक है, ये जाएगा k1 पे, क्योंकि x q ज़ीरो k1 की वैल्यू थी, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे ये x एक ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x q ज़ीरो आ गया, फिर यहाँ पे x बार और q ज़ीरो, x बार q ज़ीरो किसका था, j1 का था, फिर यहाँ पे देखिए x बार q ज़ीरो आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बस आपको इक्वेशन इम्प्लीमेंट करनी है, जे ज़ीरो के ज़ीरो, ठीक है, क्यू ज़ीरो ले लिया यहाँ से, क्यू वन यहाँ से मिल जाएगा, एक्स हम बाहर से देंगे, क्लॉक हमें दोनों पे अप्लाई करनी, क्लॉक मैंने दोनों पे अप्लाई करनी, दोनों फ्लिप फ्लॉप पे, तो ये इसका आंसर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, थैंक यू।